हेलो दोस्तों, मैराथन कंपनी का मिनी ग्राइंडर मशीन मेरे पास रिपेयर करने लेके आया। बोल रहा था इसमें बिट जहाँ पे फिटिंग होता है वो टूट गया है, तो आपको इसको बाहर करना है। देखिए, यहाँ से बिट टूट गया है, तो बिट का जो टूटा वाला हिस्सा है अंदर रह गया है, तो हमें इसको ओपन करना है। तो मैंने ये मशीन कभी रिपेयर नहीं किया है, तो मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैंने यूट्यूब में सर्च किया, मैंने देखा इसको कैसे ओपन करना है, तो देख के मैंने ओपन थोड़ा कर दिया। उसके बाद इसके अंदर में जहाँ पे बिट लॉक हो गया था उसको कैसे बाहर की आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको ऐसे घुमाने से बड़े से ओपन हो जाता है। धीरे धीरे करके हम घुमा के इसको बाहर कर लेते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को आप अच्छे से देखिए। ये बड़े से ऐसे बाहर हो गया है, इसमें आपको तीनों पार्ट में ओपन करना है। धीरे से आपको प्रेस करने पर बड़े से बाहर हो जाता है। इसमें आपको दोनों बैरिंग देखने को मिलते हैं। देखिए, आपको एक छोटे एक बड़े बैरिंग देखने को मिल रहा है, तो इसको हमें ओपन करना है। तो इसमें देखिए, धीरे से सेकेंड पार्ट हम खोल लेते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट में आपको ओपन करना है, तो इसमें आपको आगे की ओर एक सर्किल देखने को मिलते हैं, बहुत ही छोटे और बहुत ही पतले। तो आपको सर्किल ऐसे घुमा घुमा के आपको इसको बाहर करना है। तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया था, आपके साथ छोटा करके दिखाने की मैं कोशिश की है। देखिए, धीरे धीरे करके आपको इसको प्रेस करने से बड़े से सर्किल बाहर हो जाएगा। देखिए, सर्किल बड़े से बाहर हो गया है। ये मशीन बहुत ही पुराना है, बहुत ही जैम हो गया है, तो इसी वजह से खोल नहीं रहा था। ये बहुत ही पुराना मशीन है, तो जब मैं इसको ओपन किया, देखा इसमें सामने वाला जो हिस्सा है ना, वो धीरे से ऐसे खींचने पर बड़े से बाहर हो जाता है, इसमें ऐसे नहीं हो रहा है। तो मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसे सामान लेके बहुत ही प्यार से इसको टक्कर मारेगा तो नीचे आ जाएगा। मैंने वीडियो में देखा, धीरे से प्रेस करने पर बड़े से बाहर हो जाता है, इसमें ऐसे नहीं हो रहा है। तो हैमर से बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करके ठोकने पर थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा नीचे आया, ज़्यादा नहीं है। डर भी लगा है, सामान टूट जाएगा तो नहीं मिलेंगे। तो मैं कैसे धीरे धीरे करके ओपन किया, आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ा सा नीचे हुआ है, हमें और थोड़ा नीचे करना है। कुछ सामान लेके धीरे धीरे करके हम ठोक के उसको बाहर कर लेते हैं। बहुत ही प्यार से हमें इसको ओपन करना है, बड़े से ओपन हो गया है। देखिए, तो इसमें फिटिंग्स थोड़ा अलग होता है। देखिए, आपको इसमें बैरिंग आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें जंग लगने से बड़े से ओपन नहीं हो रहा था। तो आपको इतना तक की ओपन सभी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा जैम लग गया था, इसी वजह से ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने एक यूट्यूबर के वीडियो देखा, देखने के बाद मैंने इतना तक तो खोल दिया। तो इतना तक खोलने से इसमें जो टूट गया था, टूटा वाला जो बीट का हिस्सा है ना, जो अंदर रह गया, वो बाहर नहीं होगा। तो पीछे वाला जो सिस्टम है उसमें स्प्रिंग है, तो उसको भी हम बाहर कर लेते हैं। सभी पेयर पार्ट्स को हमें बाहर करना है। मेरे मन में बहुत सारे खोज होता है, मेरे को खोज को पूरा करना होता है। तो मन में जो भी सवाल होता है मैं करके देखता हूँ, बहुत ही प्यार से। धीरे से हम इसको पेशाब देके इसको बाहर कर लेते हैं। तो धीरे धीरे के पेशाब देने से बढ़िया से बाहर हो गया। मैंने देखा इसमें एक स्प्रिंग है, इसमें एडाप्टर कुछ है, तो इसको ऐसे ही फिटिंग करके रखते हैं तो मोटर के साथ कनेक्ट होता है। मैंने देखा ये बढ़िया से तो ओपन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा इसको भाईस पुलार में पकड़ के पीछे वाला जो हिस्सा है ना, उसको हम ओपन कर पाएंगे। तो भाईस में इसको पकड़ के मेरे पास जो रेंज है उसी के मदद से घुमा घुमा कर हम खोल लेते हैं। मैंने तरह तरह का सवाल हो रहा था, मैंने सोचा इसको लगा के हम घुमा के खोल सकते हैं। तो मन में जो भी सवाल था मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको घुमा के खोलने की कोशिश किया, तो थोड़ा थोड़ा खोल रहा था। मेरे पास टूल तो नहीं है, तो मेरे पास जो भी सामान था उसी से इसको खोले हैं। तो आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो को अच्छे से देखिए।
देखिए थोड़ा सा बाहर हुआ है तो इसके अंदर थ्रेड है, तो धीरे धीरे करके हम बाहर करते हैं। तो आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो को देखिए। तो इसके अंदर भी कुछ है तो हमें इसको बाहर करना है, नहीं तो हम उसमें जो रॉड फंस गया ना उसको बाहर नहीं कर पाएंगे। देखिए बड़े से बाहर हो गया है, तो बहुत ही छोटे हैं। देखिए इसमें जंग लग गया था, इसी वजह से बड़े से बाहर नहीं हो रहा था। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर से कुछ डस्ट निकल रहा है, तो देखिए बहुत ही पतले एक सैप है, उसके अंदर आपको थ्रेड देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर एक स्प्रिंग है, धीरे धीरे मैं जब इसमें टक्कर मारे उसमें स्प्रिंग थोड़ा बाहर आ गया। देखिए इसके अंदर आपको एक स्प्रिंग देखने को मिलते हैं, ये भी जंग लग गया। तो इसमें हम ऑयल देके इसको फिटिंग करेंगे। मैंने पहली बार एक काम को किया है, मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा है। मैंने कुछ सोचा है आगे से टक्कर मार के इसको बाहर करने की मैंने कोशिश किया, आगे से टक्कर मारने से बड़े से बाहर नहीं हुआ है, तो पीछे से टक्कर मारने से बड़े से बाहर हुआ है। तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। धीरे धीरे करके हम पीछे से टक्कर मारने से बाहर हो रहा है, देखिए थोड़ा सा बाहर हो रहा है। तो और पीछे से हम टक्कर मार के इसको बाहर कर लेते हैं। देखिए बड़े से बाहर हो गया है, तो प्लस की मदद से इसको बाहर कर लेते हैं। ये जो टूटा वाला हिस्सा था मैंने बढ़िया से बाहर कर लिया, तो मेरे को पता नहीं था ये भी खोलते हैं। तो मैंने मॉल में बहुत सारे सवाल होता है, मेरे को सवाल का जो क्वेश्चन है उनको ढूंढना है। मैं ऐसे ही काम करता हूँ, हर रोज़ करता हूँ, कुछ भी मशीन मेरे पास लेके आता है मैं सभी पेयर पास को खोल लेता हूँ। तो ये जो खुशी मिलता है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो नए काम होता है उसमें नए नए टेक्निक यूज़ करते हैं, मेरे को सभी काम सीखना है, देखना है, करना है, ऐसे में मन में खोज होता है। तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए इसमें कुछ ऐसे फिटिंग्स है, ये फिटिंग्स थोड़ा अलग है। तो सभी पेयर पास को हम ऐसे ही बाहर करते हैं, जब बाहर करते हैं तब खुशी मिलता है, जब फिटिंग करते हैं उसमें हम रिसर्च करते हैं ये क्यों दिया है, इसका काम क्या है, कैसे हम इसको फिट कर सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल होता है। तो देखिए ऐसे फिटिंग्स होता है, मैं पहली बार खोल रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है ये कैसे काम करता है। तो ऐसे हम इसको सभी पेयरपस को धीरे धीरे करके ओपन करते हैं। तो मैंने देखा इसमें एक थास जैसा कुछ, रोलर बैरिंग जैसा कुछ है, बहुत ही पतले बहुत ही छोटे, इसके अंदर आपको छोटे छोटे बॉल देखने को मिलते हैं और दोनों साइड में आपको दोनों वासर देखने को मिलेंगे। तो सभी पेयरपस को हम ओपन करते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। ये मोटर सेक्टर है, तो इसमें मोटर होता है और इसको अलग से फिटिंग होते हैं। तो ये तो ख़राब नहीं हुआ है, बाद में को अभी लेके आएंगे तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बहुत सारे ऐसे मशीन हैं मैं रिपेयर करता नहीं हूँ तो इसलिए लेके नहीं आते हैं। तो बोला आपके पास टाइम होगा तो आप
खोल के देखना, आप रिपेयर कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने टाइम लेके इसको ओपन किया, आपके साथ शेयर की है। देखिए इसमें फिटिंग्स जो है ना थोड़ा अलग होता है, पीछे आपको कार्बन देखने को मिलते हैं, इसमें फैन, इसमें मोटर का शाफ्ट है, तो इसी से जो छोटे फाइबर आपको देखा था वो कनेक्ट होता है। तो इसमें ऐसे ही फिटिंग होता है, तो दोनों ओर एक बॉल होता है, बॉल इसमें एक कटिंग होता है, घुमाने से इसमें जो बीट होता है ना उसको ओपन करने की मदद करते हैं। देखिए इसमें आपको दोनों ऐसे वॉशर देखने को मिलते हैं, तो ये वॉशर से घुमाने से इसमें आपका जो आगे वाला जो बीट है ना बीट को प्ले करते हैं, तो उसमें बड़े होते हैं। देखिए आपको इसमें एक रोलर थास बैरिंग देखने को मिलते हैं, तो दोनों साइड में आपको एक लोहे का ऐसे ही औसत देखने को मिलते हैं, तो आगे पीछे होते हैं तो घूमते हैं। जब फिटिंग करेंगे ऑयल देके हम इसको फिटिंग करेंगे, धीरे धीरे करके ऑयल देके हम इसको फिट कर लेते हैं। देखिए ऐसे फिटिंग होते हैं, ये जो फाइबर है फाइबर का अंदर भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ की है, तो इसमें आपको होल्डर जैसे कटिंग होता है, जैसे बाइक का सस्पेंसर के जो स्प्रिंग है ना उसमें कम ज़्यादा करने के लिए जैसे घाट होता है ना, इसमें कुछ घाट है तो मैंने देखा है, आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए ये जो उभरा हुआ चीज़ है अंदर आपको घाट दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो राउंड है ना इसके अंदर बैठने के बाद एक घुमाने से आगे पीछे होते हैं, तो घुमाने पर इसमें जो राउंड आपको बॉल जैसा देखने को मिलते हैं ये घूम के इसमें आगे पीछे करते हैं, तो इसमें आपको जो बीट है ना उसको ओपन कर पाओगे, तो ए फिटिंग्स होता है। धीरे धीरे जैसे मैंने ओपन किया था ऐसे हम फिट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभार भूल भी जाते हैं, फिर से हमें खोलना है, फिर से हमें इसको फिट करना है, दो तीन बार ट्राई करने पर बड़े से फिटिंग हो जाता है। तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, ऑयल देके हम इसको फिटिंग कर लेते हैं, तो स्प्रिंग डालने के बाद हमें इसमें जो अंदर से हम एक थ्रेड वाला रॉड बाहर किया था उसी को हमें फिटिंग करना है।
हाथों से पकड़ के हम इसको फिट नहीं कर पाएंगे भाई। स्पूलर में जैसे पकड़ के मैंने ओपन किया था ऐसे ही हम इस फिटिंग करते हैं। बड़े से फिटिंग हो गया है तो पुलर को हम रख लेते हैं। देखिए बड़े से अभी फिटिंग हो गया है तो इसमें जैसे बैरिंग फिटिंग था ऐसे ही हमें बैरिंग को फिटिंग करना है। तो मशीन को धीरे धीरे करके हम फिट कर लेते हैं। मैंने कभी इसको खोला नहीं है, मेरे को याद नहीं है कैसे फिटिंग होते हैं। तो मैंने फिर से मेरा वीडियो देखा, उसके बाद मैं इसको अच्छे से फिट कर पाया। तो ये मशीन फिटिंग करते हुए मेरे को 2 घंटा से ज़्यादा टाइम लग गया था। बार बार मैंने गलती कर रहा था कैसे फिटिंग रहते हैं कैसे फिटिंग करना है। तो मेरा वीडियो देखिए आपको भी पता चल जाएगा। तो हम कभी ऐसे कुछ काम करते हैं, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, ऐसे काम करते हैं ना तो बार बार गलती होता है, डर भी लगा होता है। कुछ भी सामान हम ऐसे फिट कर देंगे ना तो फिटिंग नहीं होगा तो टूट सकता है, तो डर लगता है। तो धीरे धीरे करके फिर भी हम इसको फिट करते हैं। तो ऑयल देके सभी पेयरपास को फिटिंग करने के बाद इसमें सर क्लिप को हम लॉक कर लेते हैं।
ये बड़े से फिट हो गया है, हमें सर्किलिप को फिट करना है, तो धीरे से हम इसको फिट कर लेते हैं। ये बड़े से सर्कलिप फिट हो गया है, तो जैसे मैं खोला था ऐसे ही हम इसको फिट कर लेते हैं। देखिए बड़े से फिट हो गया है, बड़े से मूव भी हो रहा है।